अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है, भाई गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसर शाही चरम सीमा पर है, अफसर शाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार इस वक्त गर्मी की चपेट में है। बता दें कि भीषण गर्मी पड़ रही है बिहार में और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कोई हो रहा है तो सरकारी स्कूल के बच्चे। अब तक बिहार में 8 जिलों में भीषण गर्मी की वजह से अभी तक 80 बच्चे बीमार हो गए हैं, जिसकी वजह से गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गए हैं। अब देखिए, इस सब गर्मी की वजह से जो स्कूल अभी तक बंद नहीं हुई है, इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, बयानबाजी भी आनी शुरू हो गई है। बता दें कि शेखपुरा में 6 बच्चे, आधा दर्जन तक बच्चे अचानक से बेहोश हो गए भीषण गर्मी की वजह से। विद्यालय के बच्चे बेहोश हो रहे हैं, के पाठक इतनी भीषण गर्मी में भी थोड़ा आगे आ जा रहे हैं। बेगूसराय से पूरा कई जिलों से बच्चे बेहोश हो रहे हैं, स्थिति बहुत खराब है बच्चों की, क्या कहेंगे? बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसर शाही चरम सीमा पर है, अफसर शाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी भीषण गर्मी में स्कूल खुले जाने के कारण के पाठक के फैसले पर आपत्ति जताई है। चिराग ने इस तपती गर्मी में स्कूल खुले रहने से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, इसे लेकर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि सीएम के सरकारी अधिकारी के तुगलकी फरमान की वजह से बच्चे बेहोश हो रहे हैं, प्रतिदिन अस्पतालों में इलाज चल रहा है। चिराग ने कहा कि ये कोई अत्याचार से कम नहीं है, नैतिकता के आधार पर जरूरी है बच्चों की सेहत का देखभाल करना। देखिए, चिराग पासवान का भी बयान आ चुका है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये वीडियो देखें। गर्मी में, भीषण गर्मी में भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है, भाई गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी की ही वजह से बच्चे अभी तक स्कूल जो बंद नहीं हुई है उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रह रहे हैं, साथ में शिक्षक भी, अभिभावक भी। और इसी गर्मी की वजह से, जो कि इस महीने में छुट्टी मिल जाती है के पाठक के फरमान की वजह से, अभी तक बच्चों के स्कूल बंद नहीं हुए, जिस कारण बच्चे लगातार उनके सेहत पे दुष्प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। आज भी शेखपुरा में बच्चे बीमार हो गए। अब देखिए, के पाठक का जो फरमान है कि अभी तक स्कूल का टाइमिंग नहीं बदला, साथ में स्कूल में अभी तक गर्मी छुट्टी नहीं मिली, इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष भी अपना बयानबाजी दे रहे हैं। इधर रामविलास पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनका भी बयान आपने देखा, तो देखिए क्या कुछ होता है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।